नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी शर्मा। आप देख रहे हैं ग्रीन गार्डन चैनल। ग्रीन गार्डन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मोगरा यानी कि जास्मिन फ्लावर प्लांट को क्यार आप अभी कैसे करेंगे। यानी कि आपके पास ओल्ड फ्लावर प्लांट है, मोगरा फ्लावर प्लांट है, बेली फ्लावर प्लांट है, उसकी क्यार अभी आपको कैसे करना है। मेरा जो फ्लावर प्लांट है, देखिए तीन फ्लावर प्लांट आप लोगों के सामने मैंने रखा है। एक बहुत ही छोटे पॉट में है, 6 इंच की एक पॉट में लगा हुआ है। और ये देखिए, इसका जो ब्रांचेस है, कुछ ब्रांचेस है इसमें, लेकिन ग्रोथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सेकंड देखिए, 12 इंच का एक पॉट में लगा हुआ है। देखिए, एक 12 इंच का पॉट में लगा है और इसका जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छा है, बहुत हेल्दी है। और देखिए, बहुत लंबे लंबे इसका ब्रांच गए हैं, ऊपर तक गए हैं। देखिए, बेल टाइप की चरा हुआ है जी, देखिए, और साइड में भी गए हैं। तो इसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, लेकिन फ्लावर नहीं है इस टाइम। अभी आपको फ्लावर नहीं मिलेगा, ये डॉर्मेंसी में है। थर्ड फ्लावर प्लांट को देखिए आप, ये ऐसा लग रहा है जे इसका समय आ चुके हैं, ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, ये ख़त्म नहीं होगा। ये फ्लावर प्लांट अभी डॉर्मेंसी में होने के कारण मैंने कोई भी फर्टिलाइजर नहीं दिया है। तो इसमें कुछ डाईबैग भी आया है, ये बिल्कुल एक साइड में पड़ा हुआ था गार्डन का, कोई केयर नहीं किया, कोई पेस्टिसाइड नहीं, कोई फंजीसाइड नहीं, कुछ नहीं। तो इसलिए कोई फ्लावर प्लांट आपका ऐसा हो सकता है और आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कुछ ही समय में यानी कि कुछ ही दिन में आप लोगों की फ्लावर प्लांट बिल्कुल हरा भरा हो जाएंगे, बहुत ही अच्छा होगा, जैसे कि मेरा फ्लावर प्लांट भी होने वाला है। तो क्या करना है, अभी डॉर्मेंसी ब्रेक कर दीजिए आप। ये जनवरी महीना की आधा से ज़्यादा हो चुके हैं, इसलिए क्या करना है, अभी अपने को डॉर्मेंसी को ब्रेक करना है। डॉर्मेंसी ब्रेक करने के लिए सबसे पहले हम कुछ फर्टिलाइजर देंगे। देखिए, ये जो मेरा 12 इंच का पॉट है, लास्ट ईयर इसका मैंने सॉयल चेंज किया था और इस साल मैं इसका सॉयल चेंज नहीं करूँगा, यानी कि रिपोर्टिंग नहीं करूँगा। तो रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो क्या करना है, इसलिए आज इस वीडियो को लेकर आए हैं। आपके अगर फ्लावर प्लांट छोटे पॉट में हैं तो इसका रिपोर्टिंग करना है। जिसको रिपोर्टिंग करेंगे उसको अलग से फर्टिलाइजर नहीं देंगे, और जिसको रिपोर्टिंग नहीं करेंगे उसको फर्टिलाइजर देंगे। और दोस्तों, जिसकी प्रूनिंग करना है, रूट प्रूनिंग करना है, इस फ्लावर प्लांट की मैं रूट प्रूनिंग करूँगा और रिपोर्टिंग करूँगा, और ऊपर से कोई भी प्रूनिंग अपने को नहीं करना है। तो ऊपर से कोई भी प्रूनिंग नहीं करेंगे। देखिए, सबसे पहले छोटे प्लांट जो है इसके, इसको लेके आते हैं, इसको निकलना है अपने को। ये देखिए, रूट बाउंड हो चुके हैं, बहुत ही अच्छा से देखिए, पूरा रूट बाउंड हो चुके हैं, लेकिन इसमें से कुछ रूट अपने को काट कर देना है, और वो आप लोगों के साथ मैं अभी शेयर करूँगा सबसे पहले। और आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये मैं हमेशा आप लोगों के साथ अपडेट देते रहता हूँ। ये ऊपर जो बीट्स वगैरह है, इसको थोड़ा सा आपको साफ कर देना है अभी। ये देखिए, ऐसे करके साफ कर देंगे, ये कोई भी कचरा नहीं होना चाहिए अभी, और क्योंकि अभी हम इस फ्लावर प्लांट जितने भी हैं सभी को धीरे धीरे करके डॉर्मेंसी से बाहर लेकर आएंगे। ये देखिए, और इसके बाद यहाँ से अपने को काट कर देना है, थोड़ी सी काट करेंगे क्योंकि छोटे पॉट में लगा हुआ है। ये साइड की जितने रूट्स देख रहा है, ये रूट्स को हम नहीं काटेंगे, सिर्फ नीचे के कुछ रूट्स काट देंगे। आपके पास अगर कोई धारदार इंस्ट्रूमेंट होगा तो उससे आप काट करें, मैं तो ऐसे ही काट करूँगा। अभी मेरे पास तत्काल में कुछ नहीं है ऊपर। ये देखिए, ऐसे करके नीचे का सिर्फ काट करेंगे, और नीचे ये देखिए, ये भी ढक चुके थे रूट से। ये देखिए रूट कितनी है, ये ऑलमोस्ट काट दिए मैंने। मैंने पहले बोला था आप लोगों को बहुत ज़्यादा काटेंगे नहीं, क्योंकि छोटे हैं, बड़े होते तो ऑलमोस्ट 75% मैं काट कर देता।
ये देखिए ये काट कर दिए हैं, बस इतना ही काटना है। और इसके बाद 6 इंच की पॉट से हमको शिफ्ट करना है 8 इंच की पॉट में। ये देखिए एक का मैंने काट कर दिए हैं। चलिए सेकेंड जो है इस प्लांट को भी काट करना है। तो इस प्लांट को अभी आप काट करेंगे तो इसको भी फर्टिलाइज़र अलग से देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस फ्लावर प्लांट को सिर्फ फर्टिलाइज़र देंगे, तो मैं बाद में दूंगा, पहले इसको भी सॉइल चेंज कर लेते हैं। ये देखिए इसको भी मैंने निकाल लिए हैं, आप लोग देख पा रहे हैं, और इसको थोड़ा सा लटा के दिखाते हैं आप लोगों को। इसका जो रूट है आप देख पा रहे हैं, ये रूट कितना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा रूट है। तो इसका क्या करना है, हमको यहाँ तक कट कर देना है, यहाँ तक बिल्कुल कट कर देना है, यहाँ तक कट करेंगे। कोई भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट होगा तो उससे आप कट कर दीजिए, और आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैंने ऑलमोस्ट काट कर दिए हैं। इसके बाद और भी कुछ इसमें से ये जो सॉयल है सॉयल में अलग करूँगा, थोड़ा सा मैं और सॉयल अलग कर लेते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए कि सॉयल रिमूव कर दिए है। ये देखिए जितना हो सका इसमें जो चिकनी मिट्टी थे, ये देखिए जितनी चिकनी मिट्टी थे पूरे मैंने अलग कर दिए है, और इतनी ही अभी देखिए इतना ही है ओनली इसके साथ, और ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद इसका जो ग्रोथ होंगे बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होंगे, और आप लोगों के साथ मैं फिर से शेयर करूंगा इसका जो। लेकिन एक बात है, ऊपर से अभी आपको प्रूनिंग नहीं करना है, अभी सिर्फ रिपोर्टिंग करने के लिए आपको रूट प्रूनिंग करना है, रूट प्रूनिंग करें। और ठीक अभी जो फर्टिलाइज़र हम देंगे इस फ्लावर प्लांट को, फर्टिलाइज़र देंगे और इस फ्लावर प्लांट को प्रूनिंग से 1 हफ्ता पहले हमको फर्टिलाइज़र देना है, अभी फर्टिलाइज़र नहीं देना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन उस टाइम मैं फिर से वीडियो लेकर आऊँगा ऊपर से आपको प्रूनिंग कैसे करना है, उस टाइम मैं इस फ्लावर प्लांट की भी ऊपर से प्रूनिंग करेंगे। अभी ओनली फॉर रूट प्रूनिंग रिपोर्टिंग होगा, ऊपर से कोई भी प्रूनिंग नहीं होगा। और ये जो पॉट है यानी कि एक बकेट है, देखिए एक बकेट में मैंने लगाया था, तो इसी बकेट में ही मैं फिर से लगा दूंगा इस फ्लावर प्लांट को, इसी बकेट में लगा देंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको लेना है इसकी इसके जो ड्रेनेज होल हैं इसको कवर करने के लिए। ये देखिए मिट्टी की गमले की टूटा हुआ टुकड़ा, 3 टुकड़े मैं उसमें लगा दूंगा, एक आध इसमें से भी निकले होंगे, नीचे से देख लेते हैं। ये देखिए एक इसमें से भी निकले हैं, चलिए ये लगा देते हैं। ये देखिए ड्रेनेज होल को हमने कवर कर दिए हैं, और सेकेंड प्लांट के लिए भी पॉट ले लेते हैं, उसका भी ड्रेनेज होल कवर कर लेते हैं। इसमें देखिए 5 होल है, तो इसमें भी ऐसे करके मिट्टी की जो गमले की टूटा हुआ टुकड़ा रहेंगे आपके पास उससे कवर करें। ये देखिए कवर हो चुके हैं, इसके बाद कुछ सॉयल फिल कर देंगे दोनों पॉट में। देखिए पॉट में मैंने कुछ सॉयल फिल कर दिए, दोनों पॉट में मैंने सॉयल फिल कर दिए हैं। अब ये सॉयल कैसे तैयार करेंगे इसके लिए मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ये सॉयल में हमने 1 पार्ट सैंडी सॉयल लिए है, यानी कि ऐसे टाइप के आपको सॉयल लेना है जो हल्का सा सैंड रहते हैं। इनकेस अगर नहीं है तो आप पीली मिट्टी लीजिए, जो पीली मिट्टी मिलते हैं वो पीली मिट्टी लीजिए, यानी कि लाल मिट्टी लीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 पार्ट सॉयल लेंगे, आपके पास कोई भी सॉयल है, इनकेस अगर नहीं है चिकनी सॉयल है तो चिकनी सॉयल लीजिए 1 पार्ट। 1 पार्ट लेना है कंपोस्ट और 1 पार्ट लेना है आपको सैंड। सैंड में मैंने थोड़ा सा बड़े दाने की सैंड लिए हैं, जो कंस्ट्रक्शन में लगते हैं बड़े दाने की सैंड, वही सैंड मैं यूज़ करता हूँ। तो ये 3 पार्ट हो गया। उसके बाद मैंने ये सॉयल के साथ मिलाए हैं 1 मुट्ठी हॉर्नमिल, 1 मुट्ठी बोनमिल, 1 मुट्ठी नीमखली, स्क्रीन के ऊपर पूरा आप देख पा रहे हैं, और इसके साथ और कोई चीज़ नहीं मिलाया गया है। ये मिलाने के बाद
हमने ये सॉयल तैयार किया है और ये सॉयल बहुत ही अच्छा सॉयल है, बिल्कुल रीचेबल सॉयल है। चलिए अब इसमें जो प्लांट लगाना है वो प्लांट लगाते हैं। ये प्लांट लगाने के लिए ये प्लांट ऐसे करके लेकर आएंगे और ऐसे बैठा देंगे। ये देखिए, ये हमारा जो प्लांट है ऑलमोस्ट सही बैठ चुके हैं। ये देखिए, अब इसमें सॉयल फिल कर देना है, यानी कि इतनी जो है आधा से एक इंच करीब अपने को थोड़ा सा नीचे ही रखना है। चलिए सेकेंड प्लांट को भी लेकर आते हैं। देखिए सेकेंड प्लांट भी बहुत अच्छे से बैठ चुके हैं। ये देखिए दोनों प्लांट बैठ चुके हैं। आप सॉयल से फिल करेंगे, ऐसे करके आपको सॉयल से फिल कर देना है। ये देखिए ये पॉट तैयार हो चुके हैं, इसमें फिल कर दिए। अब सेकेंड पॉट में भी सॉयल फिल कर देंगे, ऐसे करके सॉयल फिल कर देते हैं। ये देखिए, उसके बाद कोई एक टूल्स लेके ऐसे करके कुछ ऐसे प्रेस करते रहेंगे ताकि सॉयल पूरी जगह पे, जितनी भी गैप है सभी जगह पे सेट हो जाए। और जब सेट हो जाएंगे तो एयर बकेट नहीं रहेगा और अपना प्लांट सुरक्षित हो जाएगा, नीचे से भी फंगस वगैरह लगने की कोई डर नहीं रहेगा। ये देखिए थोड़ी सी सॉयल और देंगे इसमें। ये ऑलमोस्ट हमारा हो गया सॉयल। सॉयल फिल हो चुके हैं, दोनों पॉट बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। दोनों को एक साइड में रख लेते हैं और जो बड़े प्लांट है उसको फर्टिलाइजर देते हैं। 10 से 12 इंच की पॉट में आपको फर्टिलाइजर देना है। वो फर्टिलाइजर देने के लिए आपको जो लेना है 2 हैंडफुल कंपोस्ट लेना है, यानी कि 2 मुट्ठी कंपोस्ट लेना है। आपके पास जो भी कंपोस्ट है, बार्मिंग कंपोस्ट है, लीफ मोल्ड कंपोस्ट है, जो भी है चलेगा। 1 मुट्ठी लेना है आपको हॉर्नमिल, 1 मुट्ठी लेना है बोनमिल, 1 मुट्ठी लेना है नीमखली। देखिए मैंने सब चीज़ एक साथ मिलाए हैं। स्क्रीन के ऊपर इसका जो डोज है, डोज देख पा रहे, क्वान्टिटी आप देख पा रहे। इसको अच्छा से मिलाइए, मिलाने के बाद हम सॉयल में देंगे और सॉयल को गुराई कर देंगे, अच्छा से गुराई करेंगे। ये देखिए इसको अभी आपको सॉयल के चारों साइड में डाल देना है, ऐसे करके चार साइड में डाल के आपको चारों साइड में फैला देना है। ये आपका 10 से लेके 12 इंच के पॉट में एक क्वांटिटी में आपको देना है, इससे कम नहीं देंगे। जिस फ्लावर प्लांट की आपको अभी रिपॉटिंग नहीं करना है, यानी कि पॉट को चेंज नहीं करना है, उस फ्लावर प्लांट को ऐसे ही फर्टिलाइजर देंगे। ये चारों साइड में मैंने फैला दिए हैं, देखिए। आप इसमें गुराई करेंगे, गुराई करने के लिए कि टूल्स ले लीजिएगा आप। ये देखिए मेरे पास टूल्स है, ऐसे ही कोई टूल्स की हेल्प से आपको गुराई करना है। गुराई करने से क्या होगा, जो फर्टिलाइजर हमने दिए हैं वो बिल्कुल सॉइल के साथ मिक्स हो जाएंगे और इसके ऊपर से कुछ केमिकल फर्टिलाइजर भी मैं दूंगा। अभी इसका जो रूट है, रूट सिस्टम और ज़्यादा डेवलप्ड होना चाहिए, इसलिए मैं देंगे और पूरा फर्टिलाइजर बताएंगे आप लोगों को जो शेड्यूल देना है। ये हमारा गुराई हो चुके हैं और ये देखिए गुराई बिल्कुल हो चुकी है। जो सॉयल है हमारा, नीचे का सॉयल आप लोगों को दिखाते हैं थोड़ा सा। ये देखिए बिल्कुल ड्राई है और ये देखिए
ऊपरी हिस्सा में कुछ रूट है, कुछ रूट काट चुके हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी न्यू न्यू रूट्स और निकल के आएंगे और आपका रोज फ्लावर प्लांट काफ़ी अच्छा होगा। चलिए, आप केमिकल फर्टिलाइजर भी हम प्रोवाइड कराएंगे, इसलिए आपको 1 लीटर वाटर लेना है। ये देखिए, 1 लीटर वाटर लिए हमने। 1 लीटर वाटर में हमको अभी मिलाना है MAP यानी कि मोनो अमोनियम फॉस्फेट, NPK 12:61:0। इसको हमको लेना है 2 ग्राम और स्टील की चम्मच अगर आपके पास है, जैसे कि ऐसा मेजरमेंट करने के लिए 2 ग्राम की स्पून नहीं है तो आधा चम्मच लीजिए। ये देखिए, मिला दिए हैं और इसको अच्छा से डिजल्व कर लेंगे यानी मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये जो 1 लीटर वाटर है, ये 1 लीटर वाटर हम इसमें डाल देंगे, यानी कि जो लिक्विड फर्टिलाइजर है ये पूरा 1 लीटर इसमें डाल देंगे। देखिए, पूरा पूरा डाल दिया हमने और ये धीरे धीरे नीचे की ओर बैठ जाएंगे। और एक बात ध्यान रखना, अभी विंटर होने के कारण इसमें बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करेंगे। आप अगर ज़्यादा ओवर वाटरिंग करेंगे तो आपका ये जो लीफ है, लीफ पेल येल्लो कलर का हो जाएगा, ग्रीन कलर का नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा कम वाटर चाहिए पड़ते हैं इस प्लांट को। और 2-3 दिन बाद एक बार फंजीसाइड, उसके 2 दिन बाद एक बार इमिडाक्लोपीड इसके ऊपर स्प्रे करना है, पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करना है। जो प्लांट की रिपोर्टिंग की है उसके ऊपर भी स्प्रे करेंगे। चलिए, आप जिसके रिपोर्टिंग की उसमें वाटरिंग करते हैं। फर्स्ट टाइम वाटरिंग अपने को अच्छा से करना है ताकि जो पॉट है, पॉट की ड्रेनेज होल से वाटर प्रोसेस हो जाए। ऐसे करके आपको वाटरिंग करना है और वाटरिंग करेंगे उसके बाद थोड़ी देर बाद नीचे से वाटर प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, पूरा पॉट को मैंने भर दिए है, ऐसे ही आपको भी भर देना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आते हैं तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊँ आप तक तुरंत पहुँच सके। आज यही तक है, इसके बाद फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नया जानकारी लेकर आएंगे।